मेजर एक कैंप में गया, वहाँ सब सूबेदार मेजर और सरदार थे, तो दिल्ली में गया, मैंने सूबेदार मेजर साहब पाकिस्तान से मिला, मेजर साहब का हाथ मिलाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ फैजल हाशमी। 1971 की जंग में पाकिस्तान को हराने और नया मुल्क बांग्लादेश बनाने का पूरा श्रेय सिर्फ एक ही शख्स को जाता है और वो नाम है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का। वो भारतीय सेना के एक ऐसे लीडर थे जिनकी बदौलत ही पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था। यहां तक कि वो भारत के एक लौते ऐसे आर्मी चीफ थे जो उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात काटने से भी नहीं डरते थे। आइए आज की हमारी इस खास पेशकश में हम जानने की कोशिश करते हैं सैम मानेकशॉ और उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। भारत के महान योद्धा सैम मानेकशॉ। अपने दोस्तों के बीच सैम के नाम से पहचाने जाने वाले भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम हॉर्मुज़जी प्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। सैम मानेकशॉ को उनके दोस्त, उनकी पत्नी और उनके बाकी आसपास के लोग या तो सैम कहकर पुकारते थे या फिर सैम बहादुर कहकर। सैम की प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर और नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में हुई थी, जहां से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मानेकशॉ 4 फरवरी 1934 को 12 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में भर्ती हो गए थे। वो इंडियन आर्मी के पहले 5-स्टार जनरल और ऑफिसर थे जिन्हें फील्ड मार्शल की रैंक पर प्रमोट किया गया था, और इतिहास में इंडियन आर्मी का शायद ही कोई ऐसा जनरल रहा हो जिसने राष्ट्रीय स्तर पर कभी इतनी लोकप्रियता हासिल की हो। इसके अलावा आपको बता दें कि सैम मानेकशॉ वैसे तो भले ही एक लोकप्रिय आर्मी जनरल थे, मगर असल में उन्हें आर्मी ज्वाइन करने का कोई भी खास शौक नहीं था। 23 अक्टूबर 2004 में जब सैम को इंडियन आर्मी के कॉन्क्लेव में बुलाया गया था, तो मीडिया से बातचीत करते समय उन्होंने ये बताया था कि वो अपने पिता की तरह ही डॉक्टर बनना चाहते थे, जिसकी पढ़ाई के लिए उन्हें लंदन जाना था, मगर क्योंकि उनकी उम्र उस समय काफी कम थी तो इसलिए उनके पिता ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया था। और इसी बीच उनका आर्मी में सिलेक्शन हो गया था, जिसके बाद से फिर आगे उसी में उन्होंने अपना करियर बना लिया था। मैं जब एक कैंप में गया तो वहाँ सब सूबेदार मेजर और सरदार थे, तो जब मैं गया मैंने सूबेदार मेजर साहब पाकिस्तान से सूबेदार मेजर साहब के हाथ मिलाया। मैंने कहा साहब मैं देख सकता हूँ आप? कहते साहब देखे। और वही सवाल हमेशा जो मेरे जवान से जानों से पूछता हूँ वही पूछा कि साहब पलंग में खटमल तो नहीं है? कि नहीं साहब, मच्छरदानी है। मच्छरदानी, हाँ साहब मैं लंगर में जा सकता हूँ? लंगर में गया, वो जवान रोटी कूट रहा था जैसे अपने करते, उससे भी मैं खाना टेस्ट कर सकता हूँ। फिर लेटरीन में गया, वहाँ पाकिस्तानी भंगी काम करता था, मैंने हाथ मिलाया। उसने इनकार किया कि मेरे से हाथ भी नहीं मिलाएगा, तो उसने हाथ मिलाया। जब हम वापस आ गए तो वो सूबेदार मेजर साहब मुझे कहते हैं कि हजूर आप गुस्ताखी माफ़ करेंगे? मैं कहा आप सूबेदार मेजर साहब जो मर्जी आ कहें। कहते अब हमें मालूम हो गई साहब कि आपकी फ़ौज क्यों जीती है। आप आए, आपने हमसे पूछा खाना ठीक है, खटमल तो नहीं है, मच्छरदानी है वगैरह, भंगी के साथ भी आपने हाथ मिला। हमारे साहब लोग ऐसा नहीं करते, वो अपने आप को नवाब ज्यादा समझते हैं। पाकिस्तान को दिया था मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान को दिया था मुंह तोड़ जवाब। सैम मानेकशॉ को सन 1971 में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत का मुख्य नायक माना जाता है। मानेकशॉ ने अपने 4 दशक के मिलिट्री करियर में 5 युद्ध में योद्धा की भूमिका निभाई थी। 1971 में भारत का पाकिस्तान के साथ हुआ युद्ध एक ऐसे युद्ध के तौर पर गिना जाता है जिसकी चर्चा आज 21वीं सदी की पीढ़ी भी करती है। अप्रैल 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने
भारतीय सेना को बांग्लादेश की मदद करने और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अधिकृत कर दिया था। इंदिरा गांधी ने जब सैम मानेकशॉ से पूछा था कि क्या उनके देश की सेना पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार है, तो उसके जवाब में सैम ने इंदिरा गांधी को साफ साफ इनकार कर दिया था। सैम ने इंदिरा गांधी से ये कहा था कि अगर इंडियन आर्मी तत्काल पाकिस्तान से युद्ध लड़ती है तो फिर उसे हारने से कोई भी नहीं बचा सकता। सैम ने इंदिरा गांधी से कहा कि मॉनसून सीजन शुरू होने वाला है और अगर ऐसे में इंडियन आर्मी पाकिस्तान पर हमला करती है तो उन्हें एयरफोर्स की मदद नहीं मिल पाएगी। सैम की इस बात को सुनकर शुरू शुरू में तो इंदिरा गांधी को नाराजगी होती है, मगर हालात को मद्देनजर रखते हुए वो उनकी बात मान लेती है। लेकिन इसके कुछ समय बाद 13 दिसंबर 1971 को मानेकशॉ पाकिस्तान सैनिकों को चेतावनी देते हैं। वो पाकिस्तानी सेना से ये कहते हैं कि या तो वो सरेंडर कर दें, नहीं तो भारतीय सेना के हाथों मरने को तैयार हो जाएं। इस चेतावनी के 3 दिन बाद ही यानी 13 दिसंबर 1971 को भारतीय मिलिट्री के इतिहास की सबसे बड़ी घटना देखने को मिलती है, जब करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिक लंबे समय तक चलने वाली जंग के बाद हथियार डाल देते हैं। बता दें कि भारतीय सेना की पूर्वी कमान के मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने पाकिस्तान की पूर्वी कमान के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी की अगुवाई में पाकिस्तान सेना ने हथियार डाल दिए थे। ये एक ऐसा ऐतिहासिक पल था जिसे आज तक कोई भी नहीं भूल पाया है। जहां एक तरफ ये इंडियन आर्मी के लिए आज तक का सबसे गौरवशाली पल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना के लिए ये सबसे शर्मनाक पल रहा है। और इसका पूरा श्रेय सैम मानेकशॉ को जाता है, जिनकी चाणक्य नीतियों और हौसलों के बदौलत ही पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला था। इसके साथ ही आपको बता दें कि सैम मानेकशॉ की जिंदगी पर बॉलीवुड डायरेक्टर मेघना गुलजार ने एक फिल्म भी बनाई है, जिसमें सैम मानेकशॉ का किरदार विकी कौशल ने निभाया है। इस फिल्म में सैम मानेकशॉ के बर्मा और विश्व युद्ध 2 में जंग लड़ने से लेकर 2008 में तमिलनाडु के वेलिंगटन में उनकी अंतिम यात्रा तक पूरा सफर दिखाया गया है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, जल्द मिलेंगे आपसे किसी नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए देखते रहें ABC न्यूज। मैं जब एक कैंप में गया तो वहाँ सब सुबेदार मेजर और सरदार थे, तो जब मैं गया मैंने सुबेदार मेजर साहब पाकिस्तान के लिए हाथ मिलाया।